morning friends. Today again we will start solving the problems on electrostatics. Sheet is already provided to you. One by one go through the problems and try to solve them. Okay, some problems I will give you the hint and some problems I will be solving for you directly. Okay, so we'll start with the problem number one. Four metallic plates, I'm not reading that, it is given with you. So I'll directly draw the diagram like these two plates are given and these two plates, totally there are four plates A and B. Okay, then the capacitance of the system between point A and B. So I want to calculate CAB question mark. Okay, now if you look at the figure, you have to find out हाउ मैनी आर देयर. तो मैंने आपको बताया था एक हाउस में अगर आपको रूम्स निकालने तो वॉल्स कितने बनते हो, रूम्स कितने बनते हो बेटा. वॉल्स तो एक दो तीन चार बनने वाले हैं लेकिन रूम तो एक दो तीन बन गए. इसका मतलब है यहाँ पे जितना आपको प्लेट मिलेगा, एन नंबर ऑफ प्लेट माइनस वन आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कैपेसिटर. तो यहाँ पे तो कैपेसिटर तीन मिलने वाले, तो कोई तो कॉमन होगा. ये दो नंबर तीन नंबर तो कॉमन है और ये अलग है. और ये देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली वैसे नहीं आएगा लेकिन हम देखेंगे. इफ विल चेक दैट देन इसको पहले ए और बी को सेपरेट निकाल के क्या करने का, ए लिखता हूँ बी लिखता हूँ. इसको नंबरिंग करो अभी. ओके, ए से चालू करता हूँ. ये वन, बी को टू आ गया तो ए को वन आ गया, बी को टू आ गया. वन को दूसरा कौन गया, इसको बोलते हैं थ्री. वन को थ्री गया. टू को कौन गया, फोर गया. टू को फोर गया. तो बेटा थ्री और फोर को बाद में उन्होंने इकट्ठा किया है, थ्री और फोर को बाद में इकट्ठा किया है. और इतना भी नहीं है, वन और टू के बीच में भी कोई है ना, तो वन और टू डायरेक्ट है ए और बी के बीच में. तो इधर और एक बन जाएगा, ये वन और ये टू. तो हर एक को सी 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 ले लो, तो सी सी का कितना हो जाएगा सीरीज में, तो सी बाई टू. ये कितना हो जाएगा C, C by 2 plus C, 2C plus C, 3C by 2 will be the total capacitance. And what they are asking? हाँ, तो अभी C को उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, अपना फॉर्मूला क्या है, A epsilon naught upon D. तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाला तो आपका आ जाएगा 3A epsilon naught upon 2D. तो ऑप्शन नंबर D is correct option. Are you getting my point? Okay. Let's go for the next problem. Next problem is that the capacitance of a parallel plate capacitor is 16 microfarad. When a glass slab is placed between the plates, the potential difference reduces to 1/8 of the original value. What is the dielectric constant of the glass? So, यहाँ पे आपको दो formula use करना होगा. एक formula है, वो है आपका the relation between C and C dash. तो मेरा C है, अरे यार ये तो दिख नहीं रहा है, मेरा C है A epsilon naught upon D. C dash कैसे बनता है, A epsilon naught K upon D. तो यहाँ पे अगर मैंने ग्लास स्लैब इंसर्ट किया तो ये बन जाएगा, विदाउट इंसर्टिंग ये बन जाएगा. और Q is equal to CV, Q is equal to CV. तो V will be equal to Q upon C. यहाँ पे without inserting the glass slab and inserting the glass slab, यहाँ पे अगर charge Q है तो charge तो constant रह रहा है, there is no change in the charge. If the charge is not changing, I can say that V is inversely proportional to C. तो अगर C बढ़ जाएगा तो V घट जाएगा, और सी घट जाएगा तो भी बढ़ जाएगा. और उन्होंने दिया है
वी बिकम्स 1/8 है ना, वी रिड्यूसेस टू 1/8, तो ऑफ कोर्स सी विल बिकम 8 टाइम्स, सी डैश विल बी 8 टाइम्स सी। तो अभी निकालने का कैसे, ये तो सब आपको मालूम है, लेकिन सर करेंगे क्या, आंसर कैसे निकल, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको एक मैंने फॉर्मूला दिया था, सी डैश विल बी इक्वल टू, इसको बोलो सी, तो आपका बन जाएगा के सी, सी डैश इज इक्वल टू के सी, सो सी डैश इज इक्वल टू के सी, तो ये सी सी बन गया, सी डैश बन गया, तो मतलब अपना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो था वो कितना है, 8 है, समझ गए। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दिया बेटा, 3 प्लेट्स ऑफ, ये तो ठीक है बेटा, मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ये मैंने सॉल्व करके दिया है आपको, वेरी सॉरी। ओके, ये मैंने आपको 3-4 टाइम्स भी दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको उसका हिंट देता हूँ, डी डी दिया है ना वो। ओके, वो पैरेलल है, अभी कैसे पैरेलल क्या है, कैसे निकालना है, तो पैरेलल है तो आंसर उसका कितना आएगा, 2C का मतलब 2 epsilon नॉट अपॉन डी हो जाएगा आपका। ओके, वो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क ले लो। ओके, अभी फोर्थ वन एकदम इंटरेस्टिंग है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, मेरा अप्रैल में जो लेक्चर था उसमें दिया है मैंने, स्टार्टिंग किया था कैपेसिटर का, अप्रैल या मई में मेरे को मालूम, लेकिन कैपेसिटर जब चालू किया था तब उसका आंसर दिया था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, उधर आप क्या करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी दिया है उसको स्फेरिकल भी बोलो, बाद में स्फीयर दिया है ना, तो दो स्फीयर है, और क्या किया है उन्होंने, वो दो स्फीयर एकदम वन माइक्रोमीटर ना समथिंग, वो मिलीमीटर स्पेस कितने थे, 1 millimeter, तो ये स्पेस एकदम छोटा है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं ए बोला, इसको बी बोला, तो बेटा बी विल बी नियरली इक्वल टू ए, और फॉर्मूला क्या आता है आपका, सी इज इक्वल टू 4π ε0 इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, आपको याद होगा, तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे बी को नियरली इक्वल टू ए करो, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना है बेटा, बी माइनस ए 0 आ जाएगा, वो तो वैसे नहीं आएगा, तो यहाँ पे वैसे रखने का, यहाँ पे आपको रखना है बी स्क्वेयर। ओके, तो इधर करोगे तो आपका क्या आएगा, 4π ε0 बी स्क्वेयर अपॉन वो जो आप करते हो बी माइनस ए, उसको करो, और यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा, ये सब करोगे तो आपको आंसर मैंने कितना निकाला है, 3 आ रहा है, 3 meter। ये VIMP फॉर्मूला है, बहुत टाइम ये सिंपल फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना इम्पोर्टेंट, रिगार्डिंग माय पॉइंट, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन वेरी सिंपल है, ये भी नहीं बताने वाला मैं आपको, खाली डायग्राम निकल के देता हूँ, बाकी का आप करो, क्योंकि आई नो दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल रीड्रॉइंग द डायग्राम्स ओनली, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक फटाफट डायग्राम बना दे बेटा, क्या दिया एरिया है, बाद में क्या दिया, यहाँ पर 2 microfarad है, बाद में 2 microfarad है, नीचे 2 microfarad है बेटा, यहाँ पे बी है आपका, यहाँ पे भी 2 microfarad है, बन गया बेटा, ये 2 ये 2 ये 12 और ये 2, खत्म, किस्सा खत्म। अभी क्या करने का बेटा, देखो ए और बी, ये ए है, इसको भी ए बोलो क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। ओके, तो ए को कितना कैपेसिटर आया है, 2 आया है, 1 और 2, तो इसको बोलता हूँ मैं ए, इसको बोलता हूँ बी, तो ए के बाद में इधर ए और इधर बी आए हैं, ए बी दे आर कनेक्टेड, वहां से देखा तो B को भी 2 आया है, और वो कहाँ गया है, ये जो B है उसके अक्रॉस गया, थोड़ा यही प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको A बोला ना, इसको भी A बोला, इसको बोलता हूँ X, वेर एवर दे आर मीटिंग दैट पॉइंट आई विल कॉल इट एज X, X के बाद में आपका
ट्वेल्व आ रहा है, वो बी को जा रहा है, और ए ए ये मेरा ए है ना, ए से और एक आ रहा है, दो खत्म, मैटर क्लोज. दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज ट्वेल्व. टू टू, टू टू का बन जाएगा फोर, फोर फोर और ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा 48 अपॉन 12 प्लस 4, 48 अपॉन 16, 3 आ जाएगा ना इसका, और ये 3, 2, 3 प्लस 2, 5. देखो आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड. ओके आगे जाते हैं सिक्स्थ वन. हाँ सिक्स्थ वन का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग इसकी वजह से उन्होंने क्या बताया, एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बीच में उन्होंने एक मेटल का प्लेट इंसर्ट किया. लेकिन कैसे किया है, मेटल प्लेट हैज इंसर्टेड सच दैट इट इज टचिंग बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, टचिंग बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये ऐसा एकदम टच कर रहा है इसको. ओके ये मेटल प्लेट बोलता हूँ इसको. तो बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, आपको खाली फॉर्मूला से जाना है. फॉर्मूला क्या आता है आपका, वो कुछ डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी माइनस टी समथिंग ऐसे आता है. तो इधर डिनोमिनेटर में डी माइनस टी आता है आपका, तो इससे जाना है आपको. अगर डी माइनस टी लिख रहे हैं तो डिस्टेंस भी उतना ही है, टच कर रहा है मतलब टी भी उतना ही है, तो कैपेसिटेंस लिखेंगे आप इन्फिनिटी, कैपेसिटेंस लिखेंगे इन्फिनिटी. लेकिन ये तो मतलब करेक्ट है. अभी आप देखो मेटल इंसर्ट किया बीच में, तो कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, मेटल इंसर्ट करने के बाद सपोज यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा. मतलब ऐसे किया मैंने, एक वायर लिया और इसको ऐसे जोड़ा, तो उस केस में भी वो पोटेंशियल है वो धीरे से उसका धीरे से कम हो जाए. सो दैट विल बी द केस ऑफ द डिस्चार्जिंग. सो व्हेन वंस विल स्टार्ट विद द लेक्चर्स इन द स्कूल विल डिस्कस दैट, और आई विल अरेंज समथिंग. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू गो बाय द फॉर्मूला. डी माइनस टी जीरो आ जाएगा, सो वन बाय समथिंग अपॉन जीरो दैट विल बी इन्फिनिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सो नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल शूट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो वेट फॉर, थैंक यू. ओके इट्स ओके, ओनली 13 मिनट्स आते हैं ना, वी विल कंटिन्यू विद दैट. ओके सॉरी. सेवन पर देखो, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. एकदम सिंपल है, सॉल्व करते हैं. आई नो दैट यू मे नॉट बी गेटिंग द वॉट एवर आई रोट ऑन द बोर्ड. लेट मी रीड्रॉ इट. दिस इज 300 वोल्ट, दिस इज 24 4 12, 24 4 12, और क्या पूछ रहे हैं, पीडी अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड, मतलब यहाँ पे आपको पोटेंशियल पूछे हैं उन्होंने. ओके इसको रीड्रॉ कर लो. कैसे रीड्रॉ करना है, ये 300 वोल्ट है ना, उसको बैटरी बनाओ. 300 वोल्ट के प्लस माइनस, 300 को 20 गया, ओके, और यहाँ से 12 गया, और 20 और 12 के बीच में एक 4 4 का है बराबर, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर से 12 और इसका 4, तो बन गया 12 12 4 4. तो क्या करने का, पहले तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो आपको मालूम है ये 3 बन गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पोटेंशियल. तो पहले सी इक्वेलेंट निकालो. सी इक्वेलेंट कितना है, ये 12 है, ये 12 है, ये 4 4 मतलब 8 होगा. सो 12 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन, लेकिन वो फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट जाएगा करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट यू डायरेक्टली 12 12 का उसका हाफ आएगा, 6 आएगा, और 6 और 8, 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, सो 48
अपॉन 14, दैट इज 24/7. सो 24/7 ये आ गया उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बराबर. ओके, तो वी तो टोटल मिल गया आपको. और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मेरे को चार्ज निकालना है. सो क्यू इज इक्वल टू सी वी. सो 24/7 इंटू 300. ओके, ये बन गया चार्ज. ओके, बन गया. ए सॉरी, हाँ ए वेरी सॉरी. अरे बेटा, आज तो आप उधर हो ना, नहीं तो आप बताते हो मैं कुछ गलती किया तो. अब अरे अरे सर सर सर, आज कोई नहीं है बोलने. देखो मतलब आपका कितना ज़रूरत है. कुछ नहीं, ये जैसे किया ना, ये 20 और 12 और ये 8, 20 × 12 × 8 अपॉन ये दोनों का करो 240, 96, 160. ये पूरा करो, सी क्वेरेंट निकालो, क्यू निकालो. क्यू निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल चार्जेस कांस्टेंट. चार्ज अगर कांस्टेंट है तो इसके ऊपर भी क्यू बनने वाला है, इसके ऊपर भी क्यू बनने वाला है, तो इसके ऊपर भी क्यू क्यू ही बनने वाला है. तो अगर इसके ऊपर क्यू बनने वाला है तो उसका क्यू का वैल्यू आपको मालूम है. अगर ये 4 मतलब इसका 8 है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी. वी विल बी क्यू अपॉन सी. क्यू आपने इधर निकाला है, सी आपको मालूम है 8 है. यू कैन गेट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट एंड द आंसर विल बी 145 वोल्ट. और क्यू आपका आने वाला है 5D माइक्रो कूलम. 5D तो आने वाला है, 12 × 24, 240 ना, 240 × 8. सो उतना आएगा वो. और देखो आप, अगर नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ. अभी ठीक है, 81 सोप बबल का है. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो आप नोटबुक में. सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज ना, देन इट्स रेडियस, रेडियस इंक्रीज करता है. कैसे करता है वो आप नोट डाउन करके लो. चालू किया, वीडियो पॉज करो, पहले नोटबुक ले लो. लिया होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ बबल, लिख लो बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ बबल स्मॉल चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट. ओके, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वल चार्ज, इक्वल मीन्स सेम चार्ज, निगेटिव है तो निगेटिव पूरा सेम हो जाए. ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम चार्ज वॉट विल हैपन, रिपल्शन विल ऑकर इन द गिवन चार्ज, रिपल्शन विल ऑकर इन द गिवन चार्ज, सो रेडियस ऑफ द बबल विल इंक्रीज. दिखाता हूँ, ये छोटा वाला है. और सोप का आपको ये मालूम है, सोप ऐसा मतलब जस्ट लाइक रबर, इलास्टिक है ना. सोप में आप ऐसा थोड़ा सा उसको फुला दिया तो फूल जाता है, तो ऐसे उसका मास कम होता है एकदम. फिल्म है ना वो फिल्म, तो सोप फिल्म के ऊपर अगर मैंने सपोज थोड़ा सा निगेटिव चार्ज दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये निगेटिव को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ये फूल जाएगा. अगर फूल गया मतलब उसका रेडियस विल इंक्रीज. सो दिस इज द आंसर. नाउ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, इट्स परमिटिविटी विल बी, ये तो एकदम ईजी है, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. ओके, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो आप के निकालते हो, जो हम 9 × 10⁹, तो वो कैसे निकालते हैं, 1/4πε₀ का वैल्यू आप वो के लिखते हो, वो एक है वो मालूम पड़ गया. यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं आपका के इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमिटिविटी. ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है मैंने, दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. गिवन मीडियम का परमिटिविटी जितना है उसको वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा के. ओके, तो 81 दिया है के,
इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 8.8 इंटू 10^-12। तो अभी इप्सिलॉन कितना निकलेगा, के इंटू इप्सिलॉन नॉट। के कितना है आपका 81 मल्टीप्लाइड बाय 8.8 इंटू 10^-12। इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आपका आता है, कहा था अरे यार उसको पलट लिया लगता है, अरे आइए 7.17 इंटू 10^-10 याद आएगा आंसर आएगा। ओके ओके नाउ लास्ट वन। ओके लास्ट वन एकदम ट्रिकी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई एम पी डालो लास्ट वन की है ना। ओके वेट फॉर अ व्हाइल। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 2i cap - 3j cap इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप। सो बी कितना दिया है 2i cap - 3j cap। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है ई नॉट इंटू जे कैप। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ड्यूरिंग ड्यूरिंग टाइम टी। ओके गिवन बाय। तो बेटा जिसने मैकेनिक्स ठीक से पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं आएगा, और जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक से पढ़ा है उसको भी दिक्कत नहीं आएगा। दोनों में से कुछ एक नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स कैसे मिलेगा आपको, आइदर एफ इज इक्वल टू एम ए मिलेगा, नहीं तो क्यू इंटू ई मिलेगा, ये आपको चाहिए। तो I can write delta P by delta T is equal to F electrostatic। क्या मैं लिख सकता हूँ delta P by delta T is equal to Q into E। तो क्या मेरा delta P Q into E into delta T नहीं हो जाएगा, delta T मतलब T दिया इधर, time T दिया इसलिए मैं directly T लिखता हूँ। तो ये Q E का value कितना है E naught डायरेक्टली मिल गया। ये भी आप कर सकते हो, मास भी दिया है ना उसका, मास भी दिया है तो ऐसे भी आप निकल सकते हो। एम ए इसको इक्वेट करो, एम ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन सॉरी क्यू इंटू ई। तो ए निकालने का इसका ए तो 2i cap - 3j cap ये वेलोसिटी दिया है उसको डिफरेंट, लेकिन इसका कुछ ये नहीं दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, टाइम टी दिया है तो ये नहीं हो पाएगा, यही आपका सेम है। ये आपको जंबल करने के लिए दिए, कोई लोग ये दो तीन टाइम ये करते रहेंगे अरे ये सर नहीं आ रहे आंसर, कैसे आएगा, कैसे आएगा आंसर, इसमें वेरिएबल ही, इफ द वेरिएबल इज नॉट देयर हाउ यू गेट द आंसर, सो आंसर इज हियर बाय डूइंग दिस यू मे गेट द आंसर, दैट्स ऑल। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू गिव यू द आइडिया अबाउट द प्रैक्टिकल्स। तो बेटा इस साल तो थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते अपना सब जल्दबाजी में सब होने वाला है, सो आई थिंक फॉर प्रैक्टिकल्स वी मे नॉट गेट मच मोर टाइम। सो लेट्स लेट मी गिव यू द आइडिया व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल्स, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, हाउ वी विल डू दैट। ओके एंड देन वी विल कंक्लूड। ओके सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एग्जाम सम क्वेश्चंस and practicals, so wait for the next video.